टू माय यूट्यूब चैनल, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो यहाँ पर आप लोग का ऑयल इंडिया नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से आप लोग का वैकेंसीज निकाली गई है, जो कि बीए बीटेक वाले स्टूडेंट के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। थ्रू आप लोग का गेट क्वालिफाई है, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बीए बीटेक वाले के लिए है, यहाँ पर 871 पोस्ट यानी टोटल वैकेंसीज निकाली गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज है। पेमेंट के लिए बात तो बहुत ही अच्छी पेमेंट है, इसकी पूरी जानकारी हम लोग देखने वाले हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टिप दीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऑल इंडिया जो भी वैकेंसीज आती है आपको इस चैनल के माध्यम से सटीक और सही सबसे पहले मिल जाता है। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यहाँ पर आप लोग का पहला आप लोग का पोस्ट आप लोग का यहाँ पर देख सकते हो, पोस्ट इवन रहेगा। बेसिक पे आप लोग का रहने वाला 60,000 से लेकर 1,80,000, जो कि आप लोग का यहाँ पर पेमेंट की बात यहाँ पर और भी दिया गया है। इंक्रीमेंट आप लोग का 20%, 3% रहेगा बेसिक आप लोग का। बाकी और भी फैसिलिटीज़ यहाँ पर दी जाएगी, जो कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। और चलिए यहाँ पर हम लोग नीचे देखते हैं। यहाँ पर आप लोग का इनिशियल क्वालिफिकेशन और गेट सब्जेक्ट विथ कोट के हिसाब से यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर एई के लिए जिसमें आप लोग का मैकेनिकल वाले ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए 60% आप लोग का, और मैकेनिकल इंजीनियर गेट वाले इसमें अप्लाई किए होंगे। और यहाँ पर टोटल वैकेंसीज़ की बात किया जाए तो 13 पोस्ट आप लोग का यहाँ पर दिया गया है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर सेकेंड बात हम लोग करेंगे, यहाँ पर पेट्रोलियम इंजीनियर वाले स्टूडेंट के लिए भी यहाँ पर 4 पोस्ट निकाली गई है, और यहाँ पर सिविल इंजीनियर के लिए यहाँ पर निकाली गई है 29 पोस्ट है आप लोग का। और यहाँ पर आप लोग का देख सकते हो मैकेनिकल के लिए है, पेट्रोलियम इंजीनियर के लिए भी यहाँ पर भी है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी 101 पोस्ट आप लोग का यहाँ पर निकाला गया है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियर के लिए, फिजिक्स के लिए भी यहाँ पर निकाली गई है। ग्रेजुएट भी आप लोग किए हो तो भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। इंस्ट्रूमेशन इंजीनियर के लिए भी निकाली गई है, मैकेनिकल इंजीनियर, मैकेनिकल, फिर एमई के लिए निकाली गई है, और फिर आप लोग का केमिकल इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियर, पेट्रोलियम इंजीनियर, इन्वायरमेंट साइंस इंजीनियरिंग के लिए भी निकाली गई है, जियोलॉजी के लिए भी निकाला गया। तो अलग अलग मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, पेट्रोलियम इंजीनियर, केमिकल, फिर पेट्रोलियम के लिए, फिर केमिस्ट्री के लिए अलग अलग निकाला गया है, जो कि आप लोग यहां पर देख सकते हो। बहुत सारा पोस्ट निकाली गई है, जिस पोस्ट आप लोग किए हो तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर टोटल वैकेंसीज आप लोग यहाँ पर मैंसन किया गया है, जो कि आप लोग का यहाँ पर 871 पोस्ट आप लोग देख सकते हो, जो कि यहाँ पर आप लोग का मैंसन है। नीचे यहाँ पर आने के बाद आप लोग का यहाँ पर एज लिमिट की बात किया जाए, तो आप लोग का एज लिमिट क्या होने वाला है, जो कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 1/7/2022 से आप लोग का एज काउंट किया जाएगा, और एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। यू आर करेंट डेट IEWS कैंडिडेट के हैं तो आप लोग का यहाँ पर आप लोग का दिया जाएगा एज लिमिट, यहाँ पर दिया गया है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, एज लिमिट यहाँ पर ड्रिलिंग के लिए, ईयर के लिए आप लोग का यहाँ पर देख सकते हो, ओबीसी के लिए आप लोग का यहाँ देख सकते हो, SC ST या PWD के लिए दी यहाँ पर दिया गया। बाकी यहाँ पर और भी आप लोग का एज रिलैक्सेशन दिया गया, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और 3 ईयर्स OBC या 5 ईयर SC ST का जो मिलता है वो आप लोग का यहाँ पर मिलने वाला है, जो कि यहाँ पर भी मैंसन किया गया है। नीचे आने के बाद हम लोग का देख सकते हो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। ये सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग का देख सकते हो यहाँ पर दिया गया है, गेट क्वालिफाई आप लोग का 2022 वाले स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आप लोग का सेकेंड बात यहाँ पर आप लोग का दिया गया है कि यहाँ पर आप लोग का जो भी नॉर्मलाइजेशन मार्क होगा उसके हिसाब से एक पोस्ट के लिए 5 स्टूडेंट को यहाँ पर बताया गया है, और यहाँ पर आप लोग का मिनिमम कट ऑफ मार्क यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मल्टीपल। बाकी यहाँ पर आप लोग का जो वेटेज होगा गेट का वो 60% होगा, और क्वालिफाई जो होगा क्वालिफिकेशन का वो 20-25 रहेगा, जिसमें आप लोग देख सकते हो 20 मार्क आप लोग का इनिशियल क्वालिफिकेशन, 5 मार्क आप लोग का PhD वाले स्टूडेंट के लिए रहेगा, इंटरव्यू में आप लोग का 15 नंबर, यानी टोटल आप लोग का 100 आप लोग का यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फाइनल मेरिट जो रहेगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, उसके बाद आप लोग का जो इंटरव्यू होगा वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये इंटरव्यू के बारे में भी बताया गया है। अप्लाई आप लोग का कैसे कब से होगा, अप्लाई आप लोग का 22 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, जो कि आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर आप लोग का मेंशन किया गया है 22/9/2022 से लेकर अगला मंथ 12/10/2022 तक आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोग के लिए यहाँ पर निकाली गई है, जो कि बहुत ही कम निकलता है BA BTEC वाले स्टूडेंट के लिए।
यहाँ पर जो फीस लगने वाला है वो आप लोग का जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट अगर हैं आप लोग स्टूडेंट तो 300 रुपया लगेगा। बाकी SAST या PWD कैंडिडेट के लिए कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, ये अच्छी बात है। और लास्ट डेट आप लोग का यहाँ पर, आप लोग का स्टार्टिंग डेट आप लोग का 22 तारीख बता चुके हैं, लास्ट डेट आप लोग का यहाँ पर मैंसन किया गया 12/10/2022 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग का कोई भी डाउट इंक्वायरी रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम में ज्वाइन होकर वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं। यदि इसका PDF मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम में मिल जाएगा, ऐसे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर अप्लाई या PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।